मैंगो साबूदाना खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 मैंगो का पल्प, 1 कप साबूदाना जिसको हमने 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, साबूदाना अच्छे से फूल गया है, 1 कप चीनी, 4-5 इलायची का पाउडर, हमने यहाँ पे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, काजू, बादाम, चिरौंजी, सबको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और हमने यहाँ पे लिया है 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क जिसको हमने पहले से ही उबलने के लिए चढ़ा दिया है। दूध हमारा हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लगा है, दूध को हम थोड़ा सा और पका लेंगे। दूध को पकाते हुए 1/2 घंटा हो गया है और दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। अब हम साबूदाने को तब तक पकाएंगे जब तक साबूदाना ट्रांसपेरेंट सा दूध के अंदर दिखने ना लगे। साबूदाना हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसमें। पाँच 10 मिनट तक और पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को 10 मिनट हो गए हैं दूध में डाले हुए और ड्राई फ्रूट सारे अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और साथ में इलायची पाउडर भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर को 1/2 घंटा हो गया है पकाते हुए, खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। आम इसके बाद हम डालेंगे। चम्मच को उठाने पर दूध और साबूदाना नीचे एक साथ गिर रहा है, इसका मतलब हमारी खीर बनकर तैयार है। खीर को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। खीर हमारी इतनी ठंडी हो गई है कि हमारी उंगली खीर को सहन कर पा रही है। अगर हम गर्म खीर के अंदर मैंगो का पल्प डालते हैं तो उससे हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं दूध फटने के। तो हम पहले खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम आम का पल्प डालेंगे। सारा आम का पल्प डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम का पल्प डलते ही कितनी क्रीमी खीर बन गई है हमारी। देखिए आम कितना अच्छे से खीर में घुल मिल गया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम खीर को ठंडा कर सर्व करेंगे।